हेलो बच्चों, आई होप आपकी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और आप पूरी मन लगा के पूरी जिम्मेदारी के साथ फुल अपनी मेहनत कर रहे होंगे। ये वीडियो मैंने एक स्मॉल पॉइंट आउट करने के लिए बनाया है जो मैंने ओवर द ईयर्स देखा है बच्चों को। अभी रिसेंटली मेरी टीम ने ऐसे रिसर्च जब कर रहे थे, उन्होंने ये पाया कि जो जिन बच्चों ने आईआईटी जेईई 2023 सर्च किया है, पिछले एक वीक में उन्होंने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो क्रिकेट मैच था वो सर्च करने वाले बच्चों 3600% इंक्रीज हो गया एक वीक के अंदर। इस बात से क्या हमें क्या पता लगता है कि ऐसे बच्चे जो आईआईटी जेईई 2023 की तैयारी कर रहे थे, ऑफकोर्स वो कुछ टाइम के लिए जरूर डिस्ट्रैक्ट रहे होंगे, उन्होंने क्रिकेट मैच देखा होगा, उनके ब्रेन में ऐसा चला होगा यार 3 घंटे का ही तो मैच है, 2 घंटे का तो मैच है। बट लेट मी टेल यू, अगर आपको मतलब 90% बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, मे बी 95% बच्चों ने ऐसे ही किया होगा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, उन्होंने मैच देखा होगा, अपना टाइम वेस्ट किया होगा किसी भी तरीके से ना। तो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने में जो सेलेक्ट बच्चा होता है वो भी 1% के आसपास ही होता है। मतलब अगर 8 लाख या 10 लाख बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें 1% बच्चों को आईआईटी जेईई मिलता है। अब उस 1% का मतलब ये नहीं कि उन्हीं के अंदर केवल इतना आईक्यू था कि वो आईआईटी में पहुँचने लायक थे। हो सकता है कि 3% बच्चों के अंदर इतना आईक्यू था कि वो आईआईटी में पहुँचने लायक थे, जितना उनके पास दिमाग है उसके हिसाब से दे कुड हैव परफॉर्म। बट ये जो छोटा छोटा टाइम लीकेज होता है कि मैच देख लिया, अब आगे चल के क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, तो हमें ये लगता है कि 1 ही घंटे की तो बात है, 2 घंटे की तो बात है, 2 दिन की ही तो बात है। दिस क्रिएट्स ए वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 2 इक्वली आईक्यू वाले बंदों के बीच में। मतलब ऐसा हो सकता है पर्सन ए पर्सन बी का आईक्यू सेम हो बट दोनों का मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा भी अगर अलग अलग है, तो एक बंदा तो फुल्ली फोकस होकर तपस्या की तरह जेईई 2023 के लिए लगा पड़ा है विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल डे और से 3-4 आवर्स का मैच। दूसरा बच्चा ये कि वो उसके मतलब ना चाहते हुए भी उसका टाइम लीक हो जाता है, हो सकता है कि उसकी फुल एफिशिएंसी ना आ पाती हो। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अब तो फुल फ्लो में हमारी जेईई 2023 की प्रिपरेशन चल रही होगी, तो वी शुड मेक श्योर कि हम ऐसा कोई भी टाइम लीकेज ना करें। और ये एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, अगर तुम खुद रियली ये करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये छोटे छोटे जो चंक में जो टाइम वेस्ट होता है वो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आगे चल के आपकी परफॉर्मेंस में, या फिर टोटल टाइम कितना लूज हो जाता है। तो स्पेशली जैसे आगे चल के अब जेईई एक अनाउंसमेंट करेगा उसमें भी काफ़ी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, या हमने मोटिवेशनल वीडियो देखने में टाइम वेस्ट करेंगे ऑफकोर्स, और स्पेशली न्यू ईयर के टाइम पर बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद संक्रांत आ जाएगी वहाँ पर पतंग उड़ाएंगे। ये जो टाइम है आई विल से कि ये तो हर साल ही होगा, ये ठीक है, जो T20 के मैच है वो हर साल ही होते हैं, बट जो तुम्हारे पास ये जो अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ लॉन्ग कैरियर को बनाने का, ये यही साल है, ये ठीक है, ये दोबारा हर साल नहीं आने वाला। तो वी शुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि ये कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस साल अपना पूरा 100% दें। इसके लिए मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन किया था तो मैंने भी ऐसा एक छोटा सा चीज अपनाया था कि अपनी डेली की एफिशिएंसी को सही रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं अपने बेसिकली मामा जी को डेली बताता था ये कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, सॉरी कल मैं इतने घंटे पढ़ूंगा और आज मेरी इतने घंटे की पढ़ाई हुई शाम को, बिकॉज आई यूज टू रिस्पेक्ट हिम अलॉट। तो आप भी ऐसा एक पर्सन, वो आपके पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकते हैं, बड़े ब्रदर भी हो सकते हैं, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो। मतलब ऐसा नहीं कि जो गले में हाथ डाल के घूमते हो फिर तो वो सीरियसनेस खत्म हो जाएगी। और अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेली आके आप ये कर सकते हो कि आप ये बताओ कि मैं कल कितने घंटे पढ़ूंगा, क्या क्या चीज़ कंप्लीट करूंगा और आज मैंने कितने घंटे कंप्लीट किए हैं पढ़ाई के। तुम 4 दिन भी 5 दिन भी ये एक्सरसाइज करोगे, यू विल रियलाइज कि जो तुम सोचते हो कि आज मेरा इतना प्रोडक्टिव डे था, जब उसको हम बैठ के कैलकुलेट करते हैं, जब नोट डाउन करते हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। एंड बिकॉज अगले 6 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए, तो वी शुड डू दिस स्मॉल एक्सरसाइज कि किसी एक पर्सन को जो रेस्पेक्टेड हो आपके लिए, दोस्ती याराने जैसी चीज़ ना हो, उसको हम जरूर ये बताएं कि आज मैं इतने घंटे पढ़ा और कल का मेरा ये प्लान है, ठीक है। उनको भले ही कुछ ना बताओ, ABC ना बताओ कि IIT JEE क्या होता है या PCM क्या सब्जेक्ट होते हैं या ये कितना बड़ा वॉल्यूम है जो वो बंदा एक दिन में स्टडी करेगा, बट आपको तो अपने हृदय में पता ही है ना कि ये चीज़ कितनी बड़ी है, डूएबल है, नॉट डूएबल है। तो एटलीस्ट आई एम श्योर कि यू विल बी ट्रू टू योरसेल्फ और आप उनको अच्छा ही प्लान बताओगे जितना कर सकता है एक बंदा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत 2 घंटे का काम बताते कि मैं ये करूँगा करके अगले दिन खुश हो जाएं कि ये तो मेरे से हो गया। अगर ऐसे कोई पर्सन नहीं है तो इस वीडियो में लिख के डेली उसको अपडेट करें, 4-5 दिन बाद अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अपने आप ही डिसिप्लिन बहुत अच्छा बन जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग ए वेरी गुड रैंक अकॉर्डिंग टू योर जो भी हार्ड वर्क एंड पोटेंशियल है। आई होप यू विल बी फॉलोइंग दिस टिप।
एंड यू विल सक्सीड इन JEE 2023. सी यू इन जय घोष, विच इज़ आर सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस नेक्स्ट ईयर. ऑल द वेरी